अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला, आप देख रहे हैं BBC सिटी न्यूज़ कराची। जी नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि आज हम एक ऐसी तकरीब में मौजूद हैं जो कि सामाजिक तौर पे बहुत एक अहमियत की जो है ना वो की हामिल रखती है। एक यतीम की यतीम बच्ची की जो है ना वो शादी होने जा रही है, और जो कि एक वेलफेयर है, पेशेंट प्रोडक्शन जो है ना वो है, वो एक सोशल वेलफेयर है जो कि इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और माशाल्लाह उनका यही कहना है कि हम ऑलरेडी भी बहुत करवा चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान भी उनका यही है कि हम आगे भी यही करवाते रहेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, इस जो प्रोग्राम ये हुआ है इसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे ख्याल में मैं तो उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने ये दूसरी मरतबा हम जो हैं एक यतीम बच्ची की शादी करा रहे हैं, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि किसी यतीम बच्ची की शादी कराई जाए, और उस तनजीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मेरे इस प्रोग्राम में साथ दिया है। और ये हमारे पास कुछ लड़कियाँ थी जिनमें से 12 में से सब हम घर पर पहुँचा दिए, और ये यतीम बच्ची का कोई माँ बाप नहीं था, और जैसे ही बालक हो गई तो कोर्ट ने भी हुक्म दे दिया कि भाई इनकी शादी करा दो, और ये वैसे ही गूंगी और बहरी है, इसके कोई नहीं थे, इसलिए हमने ये कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश कामयाब हो गई और हम आज इसकी शादी करा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी जो है ना, ये एक अचीवमेंट है, और सबसे बड़ी बात है कि ये समाजी लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल है जो कि ये आप माशाल्लाह काम करवा रहे हैं। और सर आगे फ्यूचर प्लान यानी कि आगे क्या? सर हमारे सिंध में 3 दारुल अतफाल हैं, और हमारे पहले तो नहीं होता, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जहाँ भी अगर कोई बालिग लड़की है तो हम कोशिश करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं कि भाई आप अपने को ऐसा रिश्ता दे दें, या हमारे डिपार्टमेंट में हमारे एम्प्लॉज में अगर कोई ऐसा मिलेंगे तो हम कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ये हमारी ड्यूटी है कि फ़र्ज है, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट काम यही है, ये सिर्फ ऐसा काम नहीं है कि दूसरों के लोग, हम खुद भी इसमें आप पार्टिसिपेट करें। अब इस प्रोग्राम में मेरे अफसरों ने बहुत पार्टिसिपेट किया है और बड़े शौक से आगे आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि फ्यूचर में भी यही हो, हम इस तरह शादी कराते रहें। जी बिल्कुल सर। अच्छा सर, जो लोग अभी जो खुशियों से महरूम हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हैं, आप उनके हवाले से उन बच्चियों या बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर मेरी ये है, और मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ उन लोगों को जो इस तरह से मतलब इतने काबिल हैं कि वो किसी की शादी करा सकते हैं, जिस तरह हमारे दो, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, सखर में एक हमारी शाजिया फोसो है और एक और NGO है जो कि हर महीने हर साल तकरीबन मेरे सामने जो आए हज़ारों से ज़्यादा इस तरह महरूम बच्चियों की वो शादी करा रहे हैं, और बेवा यतीमों की वो मदद कर रहे हैं। दूसरे लोग भी हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको मेरी तरफ गुजारिश ये है कि इस तरह से प्रोग्राम में वो हिस्सा ले लें। चलिए, बहुत खुशी हुई वैसे, और बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए भी ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि बल्कि सबको यही एक सोच और जो है ना वो अपनी सोच ऐसी रखनी चाहिए ताकि जो है ना वो हर बंदा जो दूसरे मामलात में आके वो इन होते हैं, क्यों ना इसके अंदर इन हो, ताकि जो बच्चे महरूम हैं खुशियों से, माँ बाप से महरूम हैं, या वो कर नहीं सकते, या माँ बाप ऐसे हैं कोई जो कि अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर सकते करवा सकते, ताकि वो इस लाइन पे आएं और इन्हें आके सपोर्ट करें, जितनी भी वेलफेयर्स होती हैं उनको सपोर्ट करें ताकि वो इसी तरीके से आगे ये सिलसिला चलता रहे। ठीक है सर, बिल्कुल सर, और थैंक यू वेरी मच सर। चलें सर, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जो कि आपको बताया था कि जनरल डायरेक्टर गुलाम अब्बास डिटू साहब, इनका हमने राय ली है, उनसे इंफॉर्मेशन भी ली है, बल्कि सवालात भी कुछ किए हैं, और इन्होंने बताया हमें कि भी ये हमारा मुस्तकिल यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 12 से 13 जो है लड़कियों की हम शादी करवा चुके हैं। हमारी इसी तरीके से बहुत सारी वेलफेयर्स हैं जो कि हम अल्हम्दुलिल्लाह वो करते हैं और मज़ीद भी इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। जी नाज़रीन, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? सब ठीक ठाक सब है सर। क्या नाम है आपका? सलाहुद्दीन पहार, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर और मेंबर सिंध सोशल वेलफेयर काउंसिल फ्रॉम कराची। सर माशाल्लाह, जो एक बहुत अच्छा जो है ना ये यहाँ पे एक तकरीब का एहतमाम किया गया है, सर उस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, हर मजहब में लिखा हुआ है कि लोगों की मदद करो, यतीमों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो, और यतामा के ऊपर इतना
अपना रहम करो कि वो आपके बच्चे ही लगें। तो ये काम ये है कि ये अपने बच्चे हैं जिनके लिए हम सब बैठे हुए हैं। सर पूरे यानी कि पाकिस्तान में बल्कि इस तरह की वेलफेयर भी हैं, आप जो लोग यतीम भी हैं, बच्चे भी हैं और जो अपनी खुशियों से महरूम हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? खुशियाँ अंदर में होती हैं, किसी पैसे और दौलत से नहीं होती है। अभी अभी एक खबर में पढ़ रहा था कि सोहराब साइकिल के मालिक का जो लखपति और करोड़पति है वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, बच्चों को उसके बुलवाया, बच्चे उसके नहीं आए और वो वहाँ पर मर गया। वो एक लखपति करोड़पति, उसमें तो खुशी पैसा नहीं है, खुशी अंदर से है, किसी और की मदद करना और की इज्जत करना, हर एक को अपना हाथ उनके सर पे रखना, यही सबसे बड़ी खुशी। बिल्कुल, ये पूरे पाकिस्तान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अभी जिस तरह के ये वेलफेयर चल रही हैं अभी भी, और लोगों को क्या कहना चाहिए, इनकी सपोर्ट करनी चाहिए? जहाँ भी जो भी जिस वक्त भी जितनी भी हैसियत रखता है उस अपनी हैसियत को इन गरीबों यतीमों बेवाओं के लिए अगर नहीं कर रहा है तो इसका मकसद है उसकी अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। वो आया और एक चिड़िया की तरह दाना चुगेगा और मर जाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। मैम क्या नाम है आपका, थोड़ा सा तारुफ करवा दें। जी मेरा नाम राना सिद्दीकी है और मैं एडिशनल डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हूँ। जी मैम, आप कुछ जो प्रोग्राम अभी हो रहा है, माशाल्लाह भी पता चला है कि अभी एक यतीम बच्ची है जिसका जो है तकरीब है जिसकी, आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए सबसे पहले हमारा मज़हब जो है, हमारा मज़हब खुद यतीमों की कफालत और के सरपरस्ती का हुक्म देता है। हमारी अहादीस हैं, हुजूर सासम ने ये फरमाया कि यतीमों पर हाथ रखने वाला क़यामत के दिन नज़दीक से नज़दीक तरीन होगा। तो इस हवाले से हमारे डिपार्टमेंट में एक ये बात है कि अल्लाह का शुक्र है कि इस डिपार्टमेंट ने यतीमों के बारे में बहुत से प्रोग्राम भी किए हैं, ऐसे भी किए जिससे उनको हम महसूस नहीं होने देते कि वो यतीम हैं। हम उनका घराना है, हम उनको इस तरह से अपने साथ रखते हैं कि वो बच्चियाँ ही समझती हैं कि हम अपने ख़ानदान में रहते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ी कामयाबी है कि बच्चे जिस तरह से यहाँ रहते हैं और उनको अपनाइयत मिलती है। और जिस तरह से आज ये जो शादी मुनक़िद हो रही है, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा हमारे डेतो साहब का है, जो हमारे डीजी साहब हैं, और इन्हें अल्लाह ताला ने बड़ा नरम दिल दिया है यतीमों के हवाले से। और जिस तरह लास्ट टाइम भी हमारे यहाँ एक शादी मुनक़िद हुई थी तो डीजी साहब ने बड़ा अहम रोल अदा किया था, बिल्कुल उसको अपनी बेटियों की तरह रुख्सत किया था। तमाम जैसे हम अपनी एक बेटी के लिए सोचते हैं जहेज वगैरह, बिल्कुल इसी तरह से उन्हें शादी को वेलकम कहा गया था, उसी तरह से जहेज दिया गया था जैसे हम अपनी बच्चियों को देते हैं। और बिल्कुल उनको बिल्कुल ये महसूस नहीं होता कि किसी यतीम बच्ची की शादी है या किसी ऐसी बच्ची जिनके वालदेन हैं और साहिब हैसियत हैं। हम सब ने मिल के बहुत अच्छी तरह उसको रुख्सत किया और आज वो अपने घर में खुश है, और इंशाल्लाह ये भी बच्ची जो है ये बेसहारा है, तो इस हवाले से हम लोगों ने यही कोशिश दोबारा की है और हम इसे इंशाल्लाह और अज़ीम ये बच्ची भी अपने घर में आबाद और खुश रहेगी। आइंदा भी हमारा यही प्रोग्राम है कि ऐसे बच्चियाँ जो यतीम हैं लावारिस हैं उनको हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट उनको सपोर्ट करे और अच्छे अच्छे रिश्ते करा के उनका उनके घरों का कर्ज ना के हम उन्हें यहाँ पर किसी दूसरी हैसियत से रखें। अल्लाह का शुक्र है हमारी यहाँ बच्चियाँ बिल्कुल ऐसी रहती हैं जैसे एक घर की मानी। जी मैम बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताइएगा मैम कि यहाँ पे जो प्रोग्राम हुए, तकरीब हुए, कितनी बच्चियाँ की अभी तक शादी हो चुकी है? देखिए वैसे तो काफ़ी हो चुकी है लेकिन अभी रिसेंटली जो हुई है अभी आई थिंक दो या तीन महीने पहले जी हाँ फरवरी में हुई थी। तो फरवरी के बाद अब ये देख ले, और इंशाल्लाह उल अज़ीम और भी बच्चियाँ हैं जिनके लिए हमने रिश्ते तलाश करके कोर्ट से ऑर्डर लेके, क्योंकि ये सब चीज़ें इंडिविजुअली नहीं होती बल्कि इस वाले सबको मिला के मतलब सबके ऑर्डर से होता, जैसे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उससे भी जांच लेनी पड़ती है। ये बच्चियाँ जो यतीम होम से आई हैं, ज़ारे इनके पीछे एक बैकग्राउंड होता है, तो तमाम मराहल को हल करके फिर इन बच्चियों के लिए अच्छे रिश्ते देखे जाते हैं, और रिश्ते भी इसी तरह से देखे जाते हैं, उसी नज़र से देखे जाते हैं जैसे हम अपनी बच्ची के लिए देखते हैं कि अच्छा घर हो, अच्छा माहौल हो, अच्छा बच्चा अच्छा कमाई करने वाला हो जो आगे जाके इसको बच्ची को प्रॉब्लम ना हो। और फिर हम इसको फॉलोअप भी करते हैं कि बच्चे के साथ कोई जुर्म तो नहीं हो रहा, कोई इसको परेशानी तो नहीं है, पीछे कोई ऐसी बात ना हो, वो बिल्कुल इस तरह जैसे हम अपनी बच्ची का करते हैं। तो ये वेलफेयर का एक बहुत बड़ा अहम काम है। अच्छा मैं मुझे एक और सवाल करूँगा आपसे, मुझे ये बताइए कि जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कि मासूम बच्चियाँ हैं, यतीम भी हैं,
आप उनके लिए क्या हौसला अफजाई करना चाहेंगे, क्योंकि वो भी लोग भी बहुत बच्चियाँ जो खुशियों से महरूम हैं, जो कि समझ लें एक टाइम पर खाना बनता भी है नहीं भी है, शादियों से भी महरूम, शादी भी नहीं कर सकते, माँ बाप उनके नहीं सपोर्ट कर सकते, आप उनके लिए क्या हौसला अफजाई करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मायूसी तो कुफ्र है, और हर अंधेरी रात के बाद एक उजाला आता है, सवेरा आता है, तो इंशाअल्लाह अज़ीम उनकी भी ज़िंदगी में उजाला होगा, ज़रूर होगा, देर है मगर अंधेर नहीं है। और मैं समझती हूँ अल्लाह ताला तो बड़ा मेहरबान है, वो खाक के ज़र्रे को आफ्ताब बना सकता है, तो इसलिए अल्लाह पे यकीन रखें और अच्छी अच्छे वक्त की उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह अज़ीम सब कुछ अल्लाह ताला उनके हक में बेहतर करेगा। चलिए सर, मैम बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सर थोड़ा सा तारुफ करवा दें अपना। मेरा नाम मिर्ज़ा इंतखाब आलम है, मैं सदर हूँ पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी का, और गुज़िश्ता 25-26 साल से शहर कराची में पुअर और अपना मुस्तहिक लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, मरीज़ों के लिए। और ये कि मेरा कराची ईस्ट में ज़्यादा काम है, इसके अलावा पूरे शहर में काम है, और हम इंटीरियर सिंध में भी काम कर रहे हैं, और हमारी मोबाइल हेल्थ क्लिनिक है जो मुख्तलिफ रिमोट एरियाज में जाती है, जहाँ पर हेल्थ की सहूलियात हम दे रहे हैं लोगों को, इसके अलावा ऑर्फन्स के पास भी जा रहे हैं, जेलों में भी जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, माशाल्लाह सर, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अचीवमेंट है बल्कि हमारे पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए, और यही बल्कि हम सबको सोच अपनी बदलनी चाहिए कि इसी तरीके पे जो है अभी कर रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा सर, यतीम बच्चों के जो जो खुशियों से महरूम हैं उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध, तो ये आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे सामाजिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, और ये ख़ास तौर से गुलाम अब्बास सैतो साहब जो हैं अपना डीजी सोशल वेलफेयर, इन्होंने जनाब वाला यहाँ पर काफ़ी एक्टिव यानी कि रोल अदा किया है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। इनके जितने भी इस वक्त सिटिंग ऑफिसर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये मैं आपको बताऊं कि ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि ये मुझे पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी को हमारे साथ कोलोबोरेशन से ये काम करते हैं। इससे पहले भी हमने फरवरी में भी एक ऑर्फन बच्ची की शादी कराई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, और एक ऑर्फन बच्ची की शादी है जो कि इनके अलबनात और दारुल अतफाल में मौजूद थी, और उसके लिए उन्होंने अच्छा रिश्ता देखा, उसके बाद जनाला बिल्कुल यानी कि घरेलू माहौल मैसर किया, उसके बाद उसको एक नई ज़िंदगी के लिए उसके लिए एक शादी का इंतज़ाम किया, और अच्छा एक उसका हम सफ़र देखा। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है इन लोगों का, और मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में जो है फिलैंथ्रोपिस्ट और जो अपना और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के तहत लोगों को आगे आना चाहिए, और इनके इस प्रोजेक्ट्स में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा साथ इनका देना चाहिए। बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, एक सवाल पूछूंगा कि भी सर ये जो वेलफेयर जैसा कि आप चला रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, इसमें कोई खिदमत हासिल होती हैं या खुद से करते हैं आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथ जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं ना, वो इस सिलसिले में हमारी मदद करते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे डोनर्स हैं जो सऊदी अरब में, लंदन में, अमेरिका में, वो हमें वहाँ पर से फंडिंग करते हैं, तो हम ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं ना उनके ताउन से चलाते हैं, और यहाँ पर भी जो लोग हैं वो लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नाम है क्योंकि हमने 25 साल से इस शहर कराची में काम किया। हमारा मेडिकल सेंटर चलता है कुछ 15-16 साल से वहाँ पर पुअर पेशेंट मलीर में, तो वहाँ पर पुअर पेशेंट्स को जनाब अला हम बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर तमाम इलाज की सहूलतें, अल्ट्रासाउंड की सहूलतें, ये सब पहुँचा रहे हैं। और मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि ये जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है मुझे अपने साथ रखता है, और ये मैं हर इनके काम में अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ मैं इनका साथ। जी जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुने? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर कुछ तारीफ करवा दें अपना। मेरा नाम मिर्ज़ा अफजल अली है, मैं पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और गुज़िश्ता 25 साल से सेहत मुंसलिक हूँ, और जनरल सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अच्छा सर, जो आज प्रोग्राम हो रहा है कि यतीम बच्ची की तकरीब है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी है कि हम दूसरी यतीम बच्ची की शादी में शरीक हो रहे हैं और उसके साथ ताउन कर रहे हैं। हमने पहले भी इसके पहली बच्ची की शादी हुई थी गुज़िश्ता 2-3 महीने पहले, उसके साथ काफ़ी ताउन किया था, और इसी सिलसिले में दोबारा हम लोग काम कर रहे हैं। और ये छोटी सी कोशिश है, हम लोग वैसे तो करते रहते हैं, रमज़ान में हमने राशन बांटे हैं, अफ्तार कराए हैं लोगों को, और लोगों की मदद करते रहते हैं। और हम लोगों ने वैसे डिस्पेंसरी बनाई है, मेडिकल डिस्पेंसरी मलीर में, जो 15 साल से चल रही है, और एक हमने मोबाइल
यूनिट बनाया है जो डिस्पेंसरी है वो मुख्तलिफ ज़िले में जाकर काम करती है। अच्छा सर, फ्यूचर प्लान क्या है इस वेलफेयर के हवाले से? जैसा कि माशाल्लाह एक तो बहुत अच्छा जो है ना ये अदारा ये काम कर रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबको ऐसा ही काम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सोच अपनी लोगों को बदलनी चाहिए, आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है कि यानी कि क्या होना चाहिए इसमें? हमारा प्रोग्राम ये है कि 4-5 मोबाइल डिस्पेंसरी बनाए ताकि हर ज़िले में जाकर वो रोज़ाना के अपने लोगों को डॉक्टर के साथ देखें, पेशेंट को देखेंगे और लोगों की मदद करेंगे। चलें सर, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? यावर अब्बास। माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है। आज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी का मौका है आपका। जी, शादी है माशाल्लाह। जी, कैसा फील कर रहे हैं? अंदर फीलिंग बस खुशी का हुआ, बस जी खुशी का मौका है। वो तो जारी बात है। क्या आगे यानी कि फ्यूचर प्लान क्या सोचा आपने? कुछ भी नहीं सोचा अभी। ये क्या बात हुई? कुछ भी नहीं सोचा, शादी करके बंदा कुछ नहीं सोचता। अगर यही कुछ घुमाने प्लान लग जाऊँ कहीं, यानी कि कैसा फील कैसा कर रहे हैं आप? मैं सही फील कर रहा हूँ, VIP। अच्छा चलो, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको तरक्की दे इंशाल्लाह और आगे कामयाबी भी दे आपको। ठीक है, थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए BBC City News कराची।